कानपुर से गैंगस्टर सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों पर पुलिस का एक्शन जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कानपुर पुलिस ने मंगलवार को शौकत पहलवान की सीबीसीआईडी दफ्तर वाली बिल्डिंग सीज कर दी। पुलिस तब तक इरफान और उसके गैंग की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज कर चुकी है। जल्द ही गैंगस्टर में जोड़े गए नए अपराधी अजय, मन्नू और भोनू की भी करोड़ों की संपत्ति सीज की जाएगी। सपा विधायक समेत 8 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। गैंगस्टर शौकत अली की सीबीसीआईडी वाली बिल्डिंग सीज। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग का सदस्य है शौकत पहलवान। अब तक गैंग की 80 करोड़ की संपत्ति सीज हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान के गैंग में शामिल शौकत की 30 करोड़ की बिल्डिंग की गई सीज। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सपा विधायक इरफान समेत 8 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। अब गैंगस्टर में शामिल सभी आरोपियों की 14A के तहत काली कमाई से बनाई गई अकूत संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत बुधवार को गैंगस्टर शौकत पहलवान का ग्वालटोली स्थित सीबीसीआईडी वाली बिल्डिंग भी सीज कर दी गई। इसी बिल्डिंग में सीबीसीआईडी का दफ्तर भी है, लेकिन सीबीसीआईडी के दफ्तर को सीज नहीं किया गया है। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई है। कानपुर पुलिस इरफान और उसके गैंग की करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर चुकी है। इसके साथ ही ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अभी करीब 200 करोड़ की संपत्ति सीज करना बाकी है, जो पुलिस चिन्हित करके सूचीबद्ध कर चुकी है। नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।